नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। और हम भगवत गीता के जो सीरीज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने दो श्लोक ऑलरेडी कर लिया था और आज तीसरे श्लोक को हम करने वाले हैं। तो आज मैं रोज़ की तरह पहले उसको संस्कृत में रीड करूँगी और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम पढ़ेंगे और इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ते हुए समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामूं व्युधं द्रुपदा पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ओ माई टीचर, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु, सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपदा। यहाँ पे हमने सेकंड श्लोक में देखा था कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि उनके जो पुत्र दुर्योधन है, जो फाइटिंग कर रहे थे पांडव के अगेंस्ट में, वो जब पांडवों के सेना को उन्होंने देखा तो वो थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ गए, शॉक्ड हो गए, थोड़ा चौंक गए कि बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया है, राइट? तो वो अपने टीचर से बात करने गए थे। अभी क्या बात उन्होंने किया वो आज जानने वाले थे तीसरे श्लोक में। तो उन्होंने बात किया, पहले उन्होंने द्रोणाचार्य को बोला कि ओ माय टीचर, देखिए जो सन्स ऑफ पांडु यानी कि पांडवों के जो पुत्र है वो कितनी ग्रेट आर्मी को बिहोल्ड कर रहे हैं। बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी, बहुत अच्छा आर्मी वो धारण करके रखे है, उसको आप देखिए। यू लुक एट देम, सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल द सन ऑफ द्रुपदा। द्रुपदा कौन है? द्रुपद जो है वो द्रौपदी के पिता है और उनके एक पुत्र संतान भी हुए थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हुए समझते हैं, आपको इनर मीनिंग पता चलेगा कि वो क्यों ऐसे टॉन्ट मारने जैसा बोल रहे ना कि अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल। क्योंकि देखिए द्रोणाचार्य जो है वो दुर्योधन के पक्ष में, युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए हैं, ठीक है? उन लोगों के सेना को अरेंजमेंट का दायित्व जो है वो द्रोणाचार्य का है और ओपोनेंट जो टीम है, जो ऑपोजिट में है, उन लोगों के अगेंस्ट में जो लड़ रहे हैं, उनके सेना को अरेंज किया हुआ है द्रुपद के पुत्र ने, ठीक है? उसका नाम हम जानेंगे धृष्टद्युम्ना। धृष्टद्युम्ना ने अरेंजमेंट किया है, लेकिन यहाँ पे टॉन्ट मार के बोल रहे हैं जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य को, थोड़ा सा टॉन्ट मार के बोल रहे हैं कि आपके इंटेलिजेंट डिसाइपल ने उन लोगों की सेना को कितने अच्छे से अरेंज किया। देखिए आपका जो शिष्य है ना, आपका बुद्धिमान शिष्य, उन लोगों का अरेंजमेंट इतना अच्छा किया है, तो आप मतलब ऐसा थोड़ा टॉन्ट मारने वाला, आप हम लोग के साइड में है लेकिन आपका जो शिष्य है देखिए वो उन लोग के साइड में कितना अच्छा अरेंजमेंट कीजिए, तो आप भी हम लोग का देखो, ठीक है? मतलब ऐसा टॉन्ट मारने जैसा थोड़ा सा टोन यहाँ पे आ रहा है। क्यों वो ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। दुर्योधन अ ग्रेट डिप्लोमैट वॉन्टेड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द्रोणाचार्य द ग्रेट ब्रह्मणा कमांडर इन चीफ। तो वो ऐसे कैसे बात कर रहे थे, थोड़े डिप्लोमैट होकर बात कर रहे थे कि अपना जो है कि खुद को अपना अच्छा करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करने की जगह उनको थोड़ा डिप्लोमैटिकली पॉइंट आउट करें कि देखिए आपने उन लोगों को इतने अच्छे से सिखाया है, इसीलिए उन लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया है, आप अभी खुद हमारा अच्छे से परफॉर्म करवाओ, ठीक है? सो थोड़ा सा वैसे उनका पॉइंट आउट कर रहे थे कि आपका गलती है कि आपने उन लोगों को अच्छे से सिखाया, क्योंकि देखिए युद्ध के पहले तो ऐसे फैमिली थे ना, ये लोग तो फैमिली ही है, फैमिली में ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा ये कहाँ से पता चलेगा इनको, ये तो अपना जॉब कर रहे थे। एंड आपको पता चलेगा ये जो द्रोणाचार्य ने इज अ वेरी गुड टीचर, आपको यहाँ पे पढ़ने से मतलब मैं जब पूरा बताऊंगी आपको पता चलेगा कि ये कितने सच्चे टीचर है। मतलब होता है ना कि अपने काम को वो इतना अच्छा सीरियसली लेते हैं, अच्छे से जानते भी है, इसमें उनको कुछ कुछ चीजें मतलब आपको सुन के लगेगा कि इतना अच्छा वो है, चले देखते हैं क्या है। द्रोणाचार्य हैड सम पॉलिटिकल क्वारल विद किंग द्रुपद द फादर ऑफ द्रौपदी हु वाज अर्जुन्स वाइफ। तो द्रौपदी जो है हम सभी जानते हैं अर्जुन की पत्नी है, पांडवों की भी वो पत्नी ही है, तो द्रुपद जो है उन लोग द्रौपदी के पिता है। तो अभी द्रुपद के साथ में द्रोणाचार्य का एक
पॉलिटिकल क्वारल था, एक प्रॉब्लम था जिसके वजह से जो द्रुपद थे वो चाहते थे द्रोणाचार्य को मार डालने के लिए, उनको खत्म करने के लिए चाहते थे। तो उन्होंने कुछ उसके वजह से किया। देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्वारल द्रुपद परफॉर्म्ड अ ग्रेट सैक्रिफाइस, एक यज्ञ किया उन्होंने, बाय विच ही रिसीव द बेनेडिक्शन ऑफ हैविंग अ सन। उसके वजह से उनको एक बेनेडिक्शन यानी कि आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उनको एक पुत्र संतान मिलेगा, हु वुड बी एबल टू किल द्रोणाचार्य, जो द्रोणाचार्य को मार डालेगा। वो खुद नहीं मार सकते थे, लेकिन उन्होंने एक यज्ञ किया आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए ताकि वो मार सके। आशीर्वाद में उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई जो कि द्रोणाचार्य को मारने वाले थे। द्रोणाचार्य न्यू दिस परफेक्टली वेल। द्रोणाचार्य को ये बात पता था कि द्रुपद के जो पुत्र है यानी कि उसका नाम धृष्टद्युम्न है, धृष्टद्युम्न उनको मार देंगे, ये बात वो जानते थे। एंड येट एज अ लिबरल ब्राह्मणा, वो एक सच्चे ब्राह्मण थे, ही डिड नॉट हेजिटेट टू इम्पार्ट ऑल हिज मिलिट्री सीक्रेट्स व्हेन द सन ऑफ द्रुपद धृष्टद्युम्न वॉज एंट्रस्टेड टू हिम फॉर मिलिट्री एडुकेशन। ये बात मतलब धृष्टद्युम्न के जन्म के पहले ही, उसके जन्म को किया ही था उसके पिता ने, मतलब चाहते थे कि वो जन्मे, धृष्टद्युम्न के पिता यानी कि द्रुपद चाहते ही थे कि वो जन्मे ताकि द्रोणाचार्य का वो खत्म कर सके। खत्म करने के लिए लड़ाई सीखना पड़ेगा, तो द्रोणाचार्य को खत्म करने के लिए धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षण ग्रहण करने के लिए भेजा गया, लर्न करने के लिए, मतलब मिलिट्री की एडुकेशन लेने के लिए जिसको मारना है उसके पास ही उसको भेजा गया कि आपको द्रोणाचार्य को, मतलब ऐसा बोला नहीं गया कि आपको द्रोणाचार्य को मारना है, लेकिन उनके पिता तो जानते थे ना, जो द्रुपद है वो जानते थे कि धृष्टद्युम्न जो है वो द्रोणाचार्य का खत्म करने के लिए उसका जन्म हुआ है, ये जानते हुए भी उसको द्रोणाचार्य के पास ही भेजा गया ताकि वो मिलिट्री शिक्षण ले पाए और एक एक्सपर्ट मिलिट्री मतलब सारे फाइटिंग में एक्सपर्ट हो पाए। एंड ये बात शिक्षा देने से पहले द्रोणाचार्य को पता था कि जो उनके पास सीखने के लिए आ रहा है वो उनके हत्या के लिए उसका जन्म हुआ है, एंड ये सब कुछ सीख के उनको मार देगा। ये जानते हुए भी उन्होंने अपने एज अ टीचर का जो जॉब था उन्होंने कम्प्लीटली परफॉर्म किया उस चीज को, कुछ भी छुपाया नहीं, एंड उसको एक परफेक्ट मिलिट्री मैन बना दिया। मतलब आप जानते हो कि कोई आपके पास आ रहा है कुछ सीख के आपको ही खत्म करने के लिए, इसके जानते हुए भी आप उसको, क्योंकि वो आपके पास एज अ स्टूडेंट आया है, आप उसको प्रॉपरली सिखा रहे हो, आप जानते हो कि सब कुछ सीख के आपको ही मतलब खत्म करने वाला है, ये आपका ही बुरा करने वाला है, ये जानते हुए भी आप उसको पूरे तरीके से सिखा रहे हो क्योंकि आपका काम है सिखाना, वो आपका पार्ट ऑफ दियर जॉब है। तो वो कितने अच्छे इंसान थे सोचिए, ये जान के हम में से कोई भी कर पाएगा? आप जानते हो आपके प्रोफेशन में, जिस किसी भी प्रोफेशन में आप हो, आप जानते हो कि एक इंसान आपको डिस्ट्रॉय करने वाला है, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको जो भी स्किल्स चाहिए वो सीखने के लिए वो आप ही के पास आ रहा है, ये जान के कि आपको ये आपसे सब कुछ सीख के आपको डिस्ट्रॉय करेगा, क्या आप कर सकते हो ये काम? क्या आप उसको सिखा सकते हो कि हाँ चलो तुम मुझे डिस्ट्रॉय करो, ये तरीके से मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? क्या आप ऐसा कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। लेकिन इसने ऐसा किया, मतलब उसके पास सीखने के लिए आया तो उसने सिखाया, और क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे ना, तो उन्होंने मतलब क्या ऑनेस्टी के साथ अपने काम को फिनिश किया, और जो होगा वो ईश्वर के हाथ उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने अपना कर्म सही किया। दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट ही डिड, आई थिंक बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर सकता, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। ओके, सो धृष्टद्युम्न वॉज एंट्रस्टेड टू हिम फॉर मिलिट्री एडुकेशन। नाउ ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, अभी उसने धृष्टद्युम्न को बहुत अच्छे से सिखाया, ठीक है, टुक द साइड ऑफ द पांडवस, धृष्टद्युम्न पांडव के साइड में थे, एंड इट वॉज ही हु अरेंज्ड फॉर देयर मिलिट्री फैलैंक्स आफ्टर हैविंग लर्न द आर्ट फ्रॉम द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य से सीख के वो एक्सपर्ट बन गया था, एंड धृष्टद्युम्न ने ही उनके मिलिट्री अरेंजमेंट को किया। द्रोणाचार्य उस साइड का करने वाले थे और इस साइड में धृष्टद्युम्न ने किया। दुर्योधन पॉइंटेड आउट दिस मिस्टेक ऑफ द्रोणाचार्य। तो
दुर्योधन ने यही बोला, तुमको पता है कि ये तुमको मारने वाला है, अभी वो तुम्हारे ओपोनेंट टीम में है एंड सब कुछ सीख के वो उस साइड में उन लोगों का इतने अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया। तुमको जब शुरू से पता ही था कि ये तुमको मारने वाला है, तुमने जानबूझ के भी इसको क्यों सिखाया सब कुछ? तुमको इसको नहीं सिखाना चाहिए था, तो ये इतने अच्छे से मिलिट्री अरेंजमेंट भी नहीं करता, तुम्हारा जान का खतरा भी थोड़ा कम हो जाता। फिर दुर्योधन ओके पॉइंटेड आउट दिस मिस्टेक ऑफ द्रोणाचार्य सो दैट ही माइट बी अलर्ट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन द फाइटिंग। ये किस लिए किया? ताकि वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि हाँ मुझे भी अच्छे से करना है, थोड़ा सा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाए कि नहीं मुझे अच्छे से पूरा अपना 100% देना ही है, तो इसीलिए इसने ऐसा किया। लेकिन वो तो गुरु है फिर भी उसने ऐसे बात किया। By this he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas. ये उसको point out कर दिया कि जिस तरीके से तुमने बेवकूफ़ी किया ना, और lenient बहुत अच्छे इंसान बन के तुमने अपना ही खतरा सर पे ले लिया, दृष्ट तुमने पैदा ही हुआ है तुमको मारने के लिए, बात तुम जानते हो, और फिर भी उसको तुम्हें ख़त्म करने के लिए उसको तुमने आसान कर दिया सारे नुस्खे बता के, सारे चीजें सिखा के। यही गलती वापस से मत करना पांडवों से लड़ने के टाइम। पांडव जो है वो उनके बहुत फेवरेट थे द्रोणाचार्य के, ठीक है? तो बोले कि उनके अगेंस्ट में जाके फाइटिंग करना एज अ फाइटर, ऐसे लीनियंट बन के हाँ मुझे अर्जुन बहुत पसंद है, मुझे पांडव बहुत पसंद है, मुझे धृष्टद्युम्न बहुत पसंद है करके एकदम लीनियंट होके मत लड़ना, तो उससे क्या होगा कि बेकार ही सब हो जाएगा। तो वो सब गलती मत करना, थोड़ा अच्छे से काम करो। क्योंकि पांडव हुवेर हिज द्रोणाचार्य अफेक्शनेट स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय थे पांडव। अर्जुन स्पेशली वॉज हिज मोस्ट अफेक्शनेट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। दुर्योधन ऑल्सो वॉर्न्ड दैट सच लीनियंसी इन फाइट वुड लीड टू डिफीट। तो यही बताया कि देखो इस तुम्हारी इस गलती की वजह से हम हार सकते हैं और हमें नहीं हारना है, तो तुम अच्छे से परफॉर्म करो, अच्छे से हमारे सेना को अरेंजमेंट करो, क्योंकि हमें जीतना है, ठीक है? तो यही चीज दुर्योधन ने आके उसको समझाया, वापस से उसको याद दिलाया कि जिस तरीके से तुमने बेवकूफी पहले किया था वो चीज इधर मत करो, एंड इसमें हमारे जो ये काम है इसमें तुम फोकस करो। तो यही तीसरा श्लोक है जहाँ पे क्या बात करने आए थे हम। दूसरे श्लोक में देखे थे दुर्योधन बात करने जा रहा था, तीसरे श्लोक में हमने देखा दुर्योधन क्या बात किया। कल हम चौथे श्लोक को कर लेंगे। हरे कृष्णा।